टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, वो टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। H2SO4 को हम किस प्रकार से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आज इस टॉपिक के अंदर हम इस बात के बारे में जानेंगे। जो आपका H2SO4 है भाई, इसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज ए किंग ऑफ केमिकल, सो इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। अप्रोक्सीमेटली एवरी इंडस्ट्री यूज H2SO4 इन स्मॉल और लार्ज अमाउंट। एट लार्ज स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस देर आर फोर स्टेप, चार स्टेप है आपके। इन द फर्स्ट स्टेप सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। इन द सेकेंड स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन द थर्ड स्टेप सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द ओलियम। एंड देन एट द लास्ट ओलियम इज मिक्स विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉटर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायरेबल कंसेंट्रेशन। इन मेथड के द्वारा, इन स्टेप्स के द्वारा हम सल्फ्यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपका सेकेंड स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप होगा और इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होंगी इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। इससे पहले कि हम इसकी फेवरेबल कंडीशन के बारे में जानें, मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर इस सेकेंड स्टेप के अंदर जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें आप लेट एटलायर प्रिंसिपल के आधार पर देखें, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक -196 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज। दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम सो दैट हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर सो दैट यूज ऑफ कैटलिस्ट इज आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है वो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। नाउ वी विल सी द होल प्रोसेस, पूरी कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा कैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सल्फर बर्नर, जो पहला जो आपका टावर है वो है सल्फर बर्नर। ये सल्फर रखी हुई है एंड एयर इज पासिंग थ्रू हियर, यहां से हम एयर पास करते हैं एंड सल्फर इज बर्न टू गिव द सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर SO2 प्लस O2 एंड मैनी मोर गैसेस आल्सो, और भी ज्यादा गैसें यहां पर होंगी भी एंड इम्प्योरिटीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द डस्ट। इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर यहां पर लगा देते हैं जिससे कि ये डस्ट जैसी रिपोर्ट इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दे। देन दिस एयर इज मूव्ड इनटू द वॉशिंग टावर, ये जो एयर यहां से आएगी वॉशिंग टावर के अंदर भेज देते हैं। वेयर H2O, यहां से हम जो है H2O का स्प्रे डालेंगे और ये H2O का जो स्प्रे है आपका, इट डिसॉल्व द सॉल्युबल इम्प्योरिटी, ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व करेगा एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटी
impurities are moved out. जो soluble impurities हैं वो बाहर निकल जाएंगे washing tower के अंदर से. Then this gas is passed into the drying tower where H2SO4 is sprayed. यहाँ पर H2SO4 का स्प्रे किया जाता है so that water vapor present into the air is removed out. यहाँ से वाटर वेपर को रिमूव कर दिया जाएगा. Then SO2 and O2 plus some more gases passing through the arsenic purifier. जो भी गैसें हैं SO2 और O2 के अलावा जो गैसें बचेंगी वो आर्सेनिक प्योरीफायर के द्वारा रिमूव कर दी जाएगी. Then the mixture is preheated in preheater at 720 Kelvin. 720 Kelvin के ऊपर हम इसको preheater के अंदर गर्म करते हैं. Then the gases is passed into the catalytic chamber. जो गैसें हैं उनको catalytic chamber के अंदर पास करेंगे. Where vanadium pentoxide V2O5 is taken as a catalyst which convert the SO2 into SO3. जो SO2 को SO3 के अंदर convert कर देगा. ये वाली reaction होगी. Then it can be taken into the absorption tower where 98% H2SO4 is sprayed. 98% H2SO4 का स्प्रे करते हैं which mix with SO3 to give the oleum. जो SO3 के साथ मिक्स होके आपको oleum प्रोवाइड करता है. Then oleum is mixed with water to get the concentrated H2SO4 of desirable concentration. Desirable concentration का H2SO4 प्राप्त करने के लिए हम varying amount of water इसके अंदर डालते हैं. उसी हिसाब से डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड H2SO4 जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा. इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड. अब कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई वी मिक्स द SO3 इनटू H2SO4 नॉट मिक्स डायरेक्टली विद वाटर. बिकॉज SO3 व्हेन डायरेक्टली मिक्स विद वाटर इट विल गिव H2SO4 and this process is highly exothermic. ये process आपका highly exothermic होती है and H2SO4 produce here in the form of a dense fume. Fume के रूप में धुएं के रूप में H2SO4 यहाँ पर produce होता है which cannot be easily condensed. जिसको आसानी से condense नहीं किया जा सकता. इसलिए हम पहले इसको ओलियम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी प्रिपेयर द H2SO4. तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ H2SO4. हम H2SO4 को किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन के बारे में कल हम बात करेंगे. भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 एंड इट्स यूजेस. ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना.